नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ICA टेक में। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने कभी सोचा है कि हम सूर्य के पास जा सकते हैं या नहीं, तो यकीनन आपका उत्तर होगा कि अगर हम सूर्य के पास जाने का प्रयास भी करेंगे तो सूर्य के तापमान की वजह से जल जाएंगे। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा अपने अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब के जरिए सूर्य के बेहद करीब पहुँचने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा संभव हो गया तो यह यान सूर्य तक पहुंचने वाला प्रथम यान बन जाएगा। चलो अब हम आपको इस यान के बारे में जानकारी देते हैं। नासा पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। यह यान सूर्य के बेहद करीब पहुंचकर सूर्य का अध्ययन करेगा। इस यान का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है। यह नासा का पहला मिशन है जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया हो। इस मिशन का मकसद यह पता लगाना है कि सूर्य का वायुमंडल कोरोना सूर्य की सतह से 300 गुना अधिक गर्म क्यों है। वास्तव में अगर हम किसी गर्म वस्तु से दूर जाते हैं तो उतनी ही गर्मी कम होती जाती है, परंतु सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। सूर्य का सतह का तापमान 10,340 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसके वायुमंडल कोरोना का तापमान इससे 300 गुना अधिक है। यह पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक यान है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल 2018 को प्रक्षेपित किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान दूसरे यानों की तुलना में सूर्य के साथ गुना ज्यादा करीब जाएगा। इस अध्ययन से वैज्ञानिक धरती के वातावरण में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकेंगे। पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ कई उपकरणों को लेकर जा रहा है जो सूर्य एवं उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। तो सवाल आता है कि सोलर पार्कर प्रोब सूर्य के इतने निकट कैसे जा सकता है। यह यान सूर्य के इतने करीब नहीं जाएगा। यह सूर्य की सतह से 3.85 मिलियन माइल्स दूर रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 91 मिलियन माइल्स है। आप खुद सोच सकते हैं कि यह यान सूर्य के कितने निकट जाएगा। तो सूर्य की गर्मी से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक 11.4 सेंटीमीटर मोटी हीट शील्ड का प्रयोग किया है जो यान को सूर्य की गर्मी से बचाएगा। इस यान में प्रबलित कार्बन कंपोजिट मटेरियल का प्रयोग किया है जो अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस यान का उड़ान समय काफी लंबा है। यह 16 अगस्त 2023 में वीनस ग्रह की फ्लाईबी को पार कर लेगा और 19 दिसंबर 2023 के आसपास सूर्य के निकट पहुंचेगा। फिर 2025 में सूर्य का सबसे निकट से अध्ययन करेगा। पार्कर सोलर प्रोब का आकार एक छोटी कार के बराबर है और यह 9.10 फीट लंबा है। इसका वजन 612 किलो है। खास उपकरणों से लैस प्रोब सूर्य की नजदीक से कई तस्वीरें लेगा। पार्कर प्रोब इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र, कोरोना प्लाज्मा और वातावरण में मौजूद कणों का अध्ययन भी करेगा। इस यान से पहले जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा ने मिलकर वर्ष 1976 में सूर्य के सबसे करीब हेलियंस 2 नामक प्रोब भेजा था जो कि सूर्य से 43.43 मिलियन किलोमीटर दूर था। भारत भी आदित्य L1 नामक यान सूर्य पर भेजने की तैयारी कर रहा है, परंतु इस यान की दूरी सूर्य से काफी दूर होगी। आपकी इस मिशन को लेकर क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।